एवरीवन, देखिए अपना जो यूनिट चल रही थी वो सेकंड यूनिट चल रही थी, जिसमें अपना टॉपिक था अपने पास कौन सा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्टर, स्विच गियर एंड प्रोटेक्टर एंड सर्किट ब्रेकर, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्विच गियर? एनीवन एल्स टेल मी, यस व्हाट डू यू मीन बाय स्विच गियर? पहले तो सभी को आवाज आ रही क्लियर है? सर आ रही है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्विच गियर? स्विच गियर का मतलब क्या होता है? स्विच गियर मतलब वो ऐसा डिवाइस जिनके द्वारा स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल किया जाता है, उसे स्विच गियर कहते हैं। यस, देखिए, दोज एपरेटस यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड स्विचिंग ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज नॉन एज ए स्विच गियर। मीन्स वो डिवाइस जिनका अपन कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग और स्विचिंग के लिए जिन डिवाइसेस का अपन यूज करते हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है आपके पास में? स्विच गियर। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो अपन डिवाइसेस, जैसे मान लो अपन स्विच यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, तो ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है आपके पास में? स्विच गियर कहलाती है। ठीक, तो मीन्स दोज डिवाइसेस बी यूज फॉर द रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड द स्विचिंग ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इट इज नोन एज ए स्विच गियर। इट द स्विचेज फ्यूज, गुड यस गुड मॉर्निंग, द स्विचेज फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर एंड रिले, करेंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, लाइटिंग अरेस्टर, कंट्रोलिंग पैनल आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्विच गियर डिवाइसेज। दीज डिवाइसेज नॉन एज ए स्विच गियर। इन डिवाइसेज के नाम से अपन क्या मानते हैं? स्विच गियर बोलते हैं। इन सभी डिवाइसेज को क्या बोलते हैं अपन? स्विच गियर। जिन डिवाइसेस के द्वारा अपन किसी भी सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अपन कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटिंग करते हैं या अपन उसको ऑन और ऑफ करते हैं, तो वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है आपके पास में? स्विच गियर कहलाती है। द स्विच गियर सिस्टम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सप्लाई सिस्टम। जो स्विच गियर सिस्टम होता है वो डायरेक्टली किससे लिंक होता है? सप्लाई सिस्टम से। इट इज प्लेस्ड इन बोथ द हाई एंड लो वोल्टेज साइड। इनको अपन दोनों जगह रिप्लेस करते हैं, दोनों जगह अपन प्लेस्ड करते हैं। कौन कौन सी जगह? हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड। ये सारी चीज, सारी जगह कहाँ प्लेस होते हैं? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड, दोनों जगह अपन क्या कर देते हैं? इसको रिप्लेस कर देते हैं। साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर, इट इज यूज फॉर द डी एनालाइजिंग द इक्विपमेंट, फॉर द टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस एंड फॉर द क्लियरिंग द फॉल्ट। जब अपने पास में, जब किसी पावर सिस्टम, जब किसी सर्किट में फॉल्ट आ जाता है या मेंटेनेंस करना होता है, तो तब इन डिवाइसेस, जब इन इक्विपमेंट का अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे अपन को कुछ किसी भी लाइन का मेंटेनेंस करना है, किसी भी सर्किट का अपन को क्या करना है? मेंटेनेंस करना है या फिर फॉल्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा? स्विच गियर यूज करना पड़ेगा। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सर्किट को ऑफ करना पड़ेगा। तो जब भी अपन क्या कर पाते हैं? उसका मेंटेनेंस और उसका कंट्रोल और उसका क्या कर पाते हैं? अपन फॉल्ट को क्लियर कर पाते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लियर हुआ कि स्विच गियर का मतलब क्या हुआ? स्विच गियर दो डिवाइसेस जिनके द्वारा अपन किसी भी सर्किट को रेगुलेट, कंट्रोल एंड स्विचिंग कर पाते हैं, उन सारी डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? स्विच गियर बोला जाता है। उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं अपन? स्विच गियर बोलते हैं। उन डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी आते हैं आपके अंदर? उन डिवाइसेस के अंदर आती है आपके पास में क्या? लाइटिंग अरेस्टर, स्विचेज, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं आपके पास में? स्विच गियर डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक, देखिए इस तरीके का अपने पास में क्या, इस तरीके का जो क्या होता है अपने पास में स्विच गियर दिखाई देता है। इसमें क्या है आपके पास में? रिले भी लगे रहेंगे, सर्किट ब्रेकर भी लगे रहते हैं और एमसीबी, फ्यूज, सर्किट, ये सारे कंपोनेंट इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो होल सिस्टम होता है, एक एक बॉक्स बॉक्स में बना रहता है। इन सभी सिस्टम को क्या बोला जाता है? स्विच गियर बोलते हैं। इन सभी सिस्टम को क्या बोल देते हैं अपन? स्विच गियर बोल देते हैं। ठीक है, तो स्विच गियर का मतलब समझ में आया पहले तो?
स्विच गियर दो डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के द्वारा अपन किसी भी सर्किट को अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं एंड स्विचिंग करते हैं। वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाते हैं आपके पास, स्विच गियर कहलाती है। तो ये जो सिस्टम है इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, पूरे होल पैनल को कंट्रोल कर पाते हैं, होल पैनल को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। कोई भी आपके पास में जीएसएस वगैरह होता है तो उसका अलग से एक क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, जिसके अपन क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्विच गियर बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए, व्हेन द फॉल्ट अकर इन द पावर सिस्टम, हैवी करंट फ्लो थ्रू द इक्विपमेंट ड्यू टू द विच द इक्विपमेंट गेट डैमेज्ड एंड द सर्विस आल्सो गेट इंटरप्टेड। जब अपने पास में कभी भी हैवी करंट फ्लो होता है, हैवी वोल्टेज आ जाते हैं, तब तो अपने पास में क्या हो जाता है, जो बहुत सारे इक्विपमेंट है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने से क्या होता है, अपने जो जो पावर सप्लाई जो कंटिन्यूअसली चल रही थी, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही थी, वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, तो रुक जाती है, मतलब डिस्कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में पावर सप्लाई क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, और कंटिन्यूअसली चलने के साथ साथ वो क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि फॉल्ट आ जाता है, हाई करंट फ्लो हो जाता है, जिससे अपने पास में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सो दैट प्रोटेक्ट द लाइन, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम द डैमेज, ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड स्विच गियर डिवाइस आर रिक्वायर्ड। तो इन्हीं सारी डैमेज को बचाने के लिए, इन्हीं सभी के प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बहुत सारी डिवाइसेज यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड डिवाइसेज को यूज करते हैं, जिनके द्वारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट अपना स्विच गियर होता है, वो सारी डिवाइसेज यूज करते हैं। तो स्विच गियर का अपन यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा अपना जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, इनके द्वारा अपने पास जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, अपने जनरेटर लगा रहता है, उन सभी को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हाई करंट, हाई वोल्टेज कभी भी आ सकता है ड्यू टू द सम एंड किसी भी एक्सटर्नल फॉल्ट के कारण आ सकता है। ठीक है, तो उन सभी प्रोटेक्शन के लिए अपन को क्या है, स्विच गियर की रिक्वायरमेंट रहती है। उन सभी के डिवाइसेस के प्रोटेक्शन के लिए अपन को क्या है, स्विच गियर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। द ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव स्विच गियर मेनली कंसिस्ट ऑफ द रिले एंड सर्किट ब्रेकर व्हेन द फॉल्ट अकर इन एनी सेक्शन ऑफ द सिस्टम। जब अपने पास में किसी भी सेक्शन में फॉल्ट आता है, जब किसी भी सेक्शन में फॉल्ट आता है, तब अपन को क्या है, ऑटोमेटिक स्विच गियर मेनली कंसिस्ट ऑफ द रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो सब फॉल्ट आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, रिले सेंस करेगा कि ओवर करंट आ रहा है या अंडर करंट आ रहा है, या ओवर वोल्टेज आ रही है, या ओवर हीटेड हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो रिले सेंस करेगा, और रिले सेंस करने के बाद में किसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, और वो क्या कर देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन डिवाइड प्रोटेक्शन जो स्विच गियर होता है, जो मेनली किस तरीके से दो कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास रिले और एक होता है आपके पास सर्किट ब्रेकर। रिले का काम क्या क्या होता है, रिले जैसे ट्रिप हो जाती है, ट्रिप होने का मतलब ही क्या होता है, वो सेंस कर लिया कि ओवर वोल्टेज आया है, ओवर करेंट आया है, या आपके पास में क्या आया, ओवर हीटेड हो गया, या फिर तो ये सारी चीजें वो सेंस करके क्या कर देती है, सर्किट ब्रेकर को क्या कर देती है, इंसिस्ट करती है, सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन देती है कि अब सर्किट को ब्रेक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, ओवर वोल्टेज आ गया है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये सारी डिवाइसेस अपने पास में मेनली दो डिवाइसेस होते हैं, जिनके द्वारा ऑटोमेटिक अपन सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से आपके पास में, रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो रिले का मतलब समझ में आया कि रिले क्या काम आती है, रिले आती है किसी भी पोजीशन, किसी भी कंडीशन को सेंस करने के लिए, किसी भी कंडीशन को सेंस करने के लिए। तो वो सेंस करेगी, सेंस करने के बाद क्या करेगी, सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देगी, और सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ ही वो क्या कर देगी, सर्किट को ब्रेक करवा देगी। तो सर एक न्यू भी देखिए तो आया, एक आरसीबीओ, क्या हुआ। एक नया डिवाइस भी तो आया सर अभी, आरसीबीओ नाम सा। हाँ आया है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से प्रोटेक्शन डिवाइस है। हाँ सर, तो वो हाँ ज्यादा करंट फ्लो नहीं से रुकता, जैसे बॉडी पे करंट आता है किसी पे।
हाँ वो क्या है, जैसे मान लो किसी भी पोल वगैरह, किसी भी जैसे अपन कभी मेंटेनेंस वगैरह काम करते हैं, तो उस समय अपन को कोई भी जो बॉडी को जो पार्ट है, बॉडी को जो शॉक शॉक लगता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, उसको यूज किया जाता है। तो देखिए द, तो ही वो बंद हो जाता। हाँ द रिले ऑफ द ऑफ दैट सेक्शन कम इन टू द ऑपरेशन एंड क्लोज द ट्रिप सर्किट ऑफ द सर्किट ब्रेकर विच द डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन। द हेल्दी सेक्शन कंटिन्यूअसली सप्लाई टू द लोड एज यूजुअल एंड दस इज द दिस इज नो डैमेज टू द इक्विपमेंट एंड नो कंप्लीट इंटरप्ट द सप्लाई। तो देखिए जब दोनों ये दोनों डिवाइसेस अपन यूज कर रहे हैं, कौन कौन से रिले और सर्किट ब्रेकर, तो इन दोनों से आपने क्या से क्या हो रहा है, जो फॉल्टी सेक्शन है वो तो क्या कर जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जो अनहेल्दी सेक्शन है जिनके द्वारा मतलब अपन को कंटिन्यूसली सप्लाई फ्लो करवानी है, जिनके बिन में फॉल्ट नहीं आया, जिस सेक्शन में फॉल्ट नहीं आया, तो उस सेक्शन को क्या कर देता है, कंटिन्यूसली सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए अपन का क्या है, जो कंटिन्यूस सप्लाई जाला वाला सेक्शन है उसको अनइंटरप्टेड करते हुए, इंटरप्शन नहीं करते हुए क्या कर देते, कंटिन्यूसली सप्लाई प्रोवाइड कर देते, और जो अनहेल्दी सेक्शन है जिनके द्वारा जिनमें अपने पास फॉल्ट आया है, उस वाले फॉल्ट सेक्शन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, किसके यूजिंग के, सर्किट ब्रेकर और रिले के द्वारा, सर्किट ब्रेकर और रिले के द्वारा अपना क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है। तो देखिए अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने बताया था कौन कौन से स्विच गियर होते हैं, एक होता है आपके पास में क्या अंडर वोल्टेज एंड एक होता है आपके पास में ओवर वोल्टेज, और उन्हीं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्या इंडोर और आउटडोर, इंडोर स्विच गियर एंड आउटडोर गियर। द स्विच गियर इज द आर द टू टाइप, वन इज द इंडोर स्विच गियर एंड सेकेंड इज द आउटडोर। तो इंडोर, इंडोर का मतलब क्या हुआ कि वो है स्विच गियर जिनके अंदर मतलब किसी रूम के अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर बनाया जाता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, इंडोर स्विच गियर के लोग। अगर मान लो मेरे को इंडोर बनाया, तो इंडोर वाला का वोल्टेज कम रखना है या हाई रखेंगे अपन, जो इंडोर आप किसी भी कोई सा भी सर्किट ब्रेकर लगाओगे, कोई सा भी सी चीज लगाओगे, तो इंडोर में अपन क्या कर पाएंगे, कम वोल्टेज रख पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस एनी रीजन फॉल्ट आता है, फॉल्ट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फटने का ज्यादा चांस रहेगा। अगर अपन हाई वोल्टेज लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ज्यादा चांस रहेगा, तो वहां पर डैमेज जो अपने पास में होना है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा चांस रहेंगे। तो इसीलिए जो इंडोर सेक्शन हो जाता है वो 33 kV से या 66 kV से कम वाला होता है, और जो आउटडोर होता है वो 66 kV से एबव वाला जो होता है, मतलब जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, 66 kV से एबव होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्या हो जाता है, इंडोर और आउटडोर होता है। क्योंकि आउटडोर में अगर मान लो फॉल्ट वगैरह आएगा, तो वहां पर जो डैमेज है, वहां पर जो लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको दो टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है, किस में इंडोर एंड आउटडोर। द स्विच गियर आर मेनली क्लासिफाइड इन टू द टू टाइप, वन इज द आउटडोर एंड सेकेंड इज द इंडोर। फॉर वोल्टेज एबव 66 kV द आउटपुट वोल्ट आउटपुट स्विच गियर इज यूज, द आउटपुट स्विच गियर इज यूज, जहां पर आपने पास में क्या है 66 kV से एबव वोल्टेज आते हो, वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, आउटडोर स्विच गियर यूज करते हैं। आउटडोर क्यों यूज करते हैं, कौन बताएगा, अपन 66 kV का इंडोर में क्यों नहीं लगा सकते, अपन को यहाँ पर दो टाइप के बता दिए गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ज्यादा वोल्टेज होगी, और 66 kV का मतलब होता है कि 66,000 वोल्ट, 66 kV का मतलब होता है कि 66,000 वोल्ट, और उस वोल्टेज के आसपास का जो एयर होती है वो भी तो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, तो वो चार्ज हो गई, तो मान लो अपना पास रूम है, एनी रीजन, जैसे मान लो बारिश का टाइम है, वो बारिश के टाइम में क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो वो आपका ज्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए जो 66 kV के जो एबव वाली जो वोल्टेज है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, आउटडोर स्विच गियर यूज करते हैं, और 66 kV से कम वाला होता है, 66 kV से लोअर वोल्टेज होती है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंडोर स्विच गियर। इट इज यूज बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज द बिल्डिंग वर्क विल बी अननेसेसरीली इंक्रीज एंड द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑन द लार्ज स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर एंड द लार्ज साइज ऑफ इंसुलेटर।
इनके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को लार्ज कंडक्टर साइज यूज करना पड़ेगा, लार्ज इंसुलेटर यूज करने पड़ेंगे, उनका भी साइज ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए अपने पास में क्या है, ज्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन सभी को देखते हुए अपन को क्या है, इसमें यूज कर लिया जाता है आउटडोर स्विच गियर सिस्टम यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इंक्रीज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लार्ज स्पेसिंग, स्पेसिंग मतलब जो स्पेस वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड कंडक्टर एंड द साइज, लार्ज साइज ऑफ द इंसुलेटर, जो इंसुलेटर अपन यूज करेंगे उनका साइज भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि 66 KB। तो इसलिए अपन को क्या होगा, एक बड़े हॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी, बड़े एक अपने पास में स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसीलिए इंस्टॉलेशन जो चार्ज है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बिलो द 66 KB देयर इज द नो डिफिकल्टी इन द प्रोवाइड द बिल्डिंग वर्क फॉर द स्विच गियर एट द रीजनेबल कॉस्ट। जो बिलो 66 KB होती है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, करंट थ्रो करंट वो आसानी से क्या करते हैं, विदाउट एनी डिफिकल्टी बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्डिंग वर्क अपन का आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपन को बिल्डिंग आसानी से मिल जाएगी, तो उसको अपन क्या कर दे सकते हैं, 66 KB से बिलो वाले को अपन क्या कर सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, इंडोर स्विच गियर में रख सकते हैं। द इंडोर टाइप ऑफ स्विच गियर इज मेटल मेटल क्लैड टाइप एंड इज कॉम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्टनेस, द सेफ्टी क्लियरेंस ऑफ द ऑपरेशन इज ऑल्सो रिड्यूस एंड दस द रिड्यूस द एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट नेस उसको अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट नेस और मेटल क्लैड के जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अपन यूज कर सकते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगी, जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास में, कम हो जाएगी, और सेफ्टी ऑफ क्लियरेंस वो क्या, वो भी क्या हो जाएगी अपने पास में, सेफ्टी अपने पास ज्यादा हो जाएगी और क्लियरेंस क्या हो जाएगी, ये सारी चीज उसमें इंडोर में अपना अच्छे तरीके से ये सारा सिस्टम लग सकता है। तो इसीलिए अपन को क्या है, 66 KB के लिए इंडोर और 66 KB के अबव के लिए आउटडोर अपन क्या यूज करते हैं, स्विच गियर यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्किट ब्रेकर, अ सर्किट ब्रेकर इज ए डिवाइस व्हिच यूज टू द इंटरप्ट इंटरप्ट द सर्किट, मतलब सर्किट को ब्रेक करने के लिए, के कोई सी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ऑफ करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है, जब किसी सर्किट में फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट आने के साथ साथ ही उसको अपन को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, जो कंटिन्यूस सप्लाई फ्लो हो रही है उसको अपन को क्या करना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, उसको डिसकंटिन्यूस करना पड़ता है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। और सर्किट ब्रेकर इज ए स्विचिंग डिवाइस दैट इंटरप्ट द एबनॉर्मल और फॉल्ट करेंट। वो क्या करता है, जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, एक होती है नॉर्मल, एक होती है एबनॉर्मल कंडीशन, तो उन और एबनॉर्मल कंडीशन को क्या बोलते हैं, फॉल्ट कंडीशन बोलते हैं। तो फॉल्ट कंडीशन जब आती है तो उसको क्या करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए अपन यूज क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर इज ए डिवाइस दैट यूज फॉर द इंटरप्शन द एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल फॉल्ट करेंट, उन सभी को अपन को क्या करना होता है, इंटरप्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं सर्किट। सर्किट ब्रेकर क्या है, किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। इट इज द मैकेनिकल डिवाइस दैट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ हाई मैग्नीट्यूड फॉल्ट करेंट। ये क्या करेगा, ये क्या एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो जिसके द्वारा अपना जो जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, जो फ्लो ऑफ फॉल्ट करंट है, वो उसको अपन क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एंड इन द एडिशनल परफॉर्म द फंक्शन एज ए ऑफ ए स्विच, और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लाइक ए स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, द सर्किट ब्रेकर आर मेनली डिजाइन फॉर द क्लोजिंग और ओपनिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, दस द प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सिस्टम फ्रॉम द डैमेज। तो ये मेनली ये किस तरीके, किसके लिए डिजाइन किया जाता है, किसी भी सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। और इसीलिए ये क्या है,
इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है उसको डैमेज होने से बचाता है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसको डैमेज होने से बचाता है। ठीक, तो ये यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? नो सर। ठीक, इसके बाद आता है आपके पास में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपका क्या करता है, वर्किंग होती है उसका, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्विच गियर। तो किसी भी स्विच गियर में आपके पास में दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, क्लोज पोजिशन में होते हैं। दोनों ही कॉन्टेक्ट किस तरीके से होते हैं, क्लोज पोजिशन में होते हैं। बट जब फॉल्ट कंडीशन आ जाती है तो फॉल्ट कंडीशन क्या हो जाते हैं, वो कॉन्टेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो कंटिन्यूस सप्लाई फ्लो हो रही है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। द सर्किट ब्रेकर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टेक्ट। जो सर्किट ब्रेकर है वो कौन किन से बने रहते हैं, दो डिवाइसेज होते हैं उसमें होते हैं, दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट। मतलब एक का ये यहाँ पर क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया जाता है, ये तो फिक्स है, अब ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो नॉर्मल कंडीशन तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जब फॉल्टी कंडीशन आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन आई तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और जब फॉल्टी कंडीशन आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है आपके पास मूविंग कॉन्टेक्ट। फिक्स कॉन्टेक्ट हमेशा फिक्स रहेगा और मूविंग कॉन्टेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। दीज कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट आर टचिंग ईच अदर एंड द कैरी द करेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन एंड द अदर। ये क्या कॉन्टेक्ट करते हैं, ये क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन होगी तो दोनों दोनों क्या होंगे, टच पोजिशन में होंगे, कॉन्टेक्ट पोजिशन में होंगे, जिससे कि आपका जो करेंट होता है वो कंटिन्यूसली करेंट फ्लो होता रहता है। कैरिंग द करेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब अपना सर्किट क्या होता है क्लोज रहता है तब अपना क्या होता है, नॉर्मली करंट फ्लो होता है। व्हेन द सर्किट ब्रेकर इज क्लोज द करंट कैरी इज कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड एंड एंगेज ईच अदर अंडर द प्रेशर ऑफ द स्प्रिंग। और ये किस लिए कॉन्टेक्ट में रहते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंग लगी रहती है, एक स्प्रिंग और उसका स्प्रिंग का जो प्रेशर पड़ता है, इसलिए ये दोनों ही किस में रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। इसलिए ये दोनों किस में रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन द आर्म ऑफ द सर्किट ब्रेकर कैन बी ओपन ओपन और क्लोज फॉर द स्विचिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। टू ओपन द सर्किट ब्रेकर ओनली प्रेशर इज रिक्वायरमेंट टू अप्लाई टू ट्रिगर। अब इसके लिए क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है, जब मान लो फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है, तो प्रेशर आएगा, प्रेशर आने से क्या होता है, इस पर फोर्स लगता है, तो जो मूविंग कॉन्टेक्ट होता है उस पर, और मूविंग कॉन्टेक्ट पर फोर्स लगने से क्या करता है, वो मूव करने लग जाता है, और मूव करने से क्या हो जाता है, दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने से जो सर्किट का जो क्लोज पाथ होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। एक सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक करता है सर्किट, जब अपने पास में दो कंडीशन हो गई, एक होती है आपके पास फॉल्ट कंडीशन, एक होती है आपके पास में क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन। उन दोनों कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या रहते हैं, जस्ट कॉन्टेक्ट बेस में रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई फ्लो रहती है। जब फॉल्ट कंडीशन आ जाता है तो ये कॉन्टेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से आपका क्या होता है, सर्किट ब्रेकर काम करता है। इसमें क्या है, आपके पास दो कॉन्टेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक होता है आपके पास नॉर्मल, वो कौन सा, फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है आपके पास मूविंग कॉन्टेक्ट। देखिए फिक्स कॉन्टेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और एक है आपके पास मूविंग कॉन्टेक्ट। मूविंग कॉन्टेक्ट में आपका क्या होगा, मूवेबल कॉन्टेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर ये आपके पास ऊपर देख रहा होगा तो वो तो क्या है, फिक्स कॉन्टेक्ट, और नीचे का है जो वो क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट। तो जब फॉल्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जैसे प्रेशर जनरेट होगा, तो प्रेशर जनरेट होने से जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करने लग जाएंगे, और नीचे की तरफ मूव करने से ही क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये बताइए, जब अपन किसी भी सर्किट को
जब भी कि अपन किसी वायर को एक दूसरे से अलग करते हैं तो वहां पर क्या जनरेट होता है, वहां पर कुछ जनरेट होता है, वहां पर कुछ ब्लिंक करता है, बोलिए वो क्या चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? हेलो, हेलो। सर सर हाँ, जब मान लो अपन सर्किट को ब्रेक करते हैं, जब मान लो तो वायर को कांटेक्ट में है, तो जब वायर को अपन उठाते हैं तो वहां पर कुछ जनरेट होता है, वहां पर कुछ दिखाई देता होगा आपको, उसको स्पार्क क्या शॉक बोल, है। स्पार्क, उसको क्या बोला जाता है, स्पार्किंग बोला जाता है। जब वो क्या करते हैं, स्पार्किंग करते रहते, तो उसी को अपन जो टेक्निकल लैंग्वेज होते हैं उसमें बोला जाता है आर्क। तो वो क्या उसको क्या जनरेट होती है बोलते वहां पर, आर्क। हैं? आर्क। हाँ, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है आर्क, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं आर्क। जब मान लो दोनों ही कॉन्टेक्ट आपस में डिस्कनेक्ट होंगे, तो डिस्कनेक्ट होने से वहां पर क्या जनरेट हो जाएगी, आर्क जनरेट होगी। और उसी आर्क को बुझाने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करते हैं, और उसी तरीके के अकॉर्डिंग ही अपने क्या बना दिया जाता है उस सर्किट को, सर्किट ब्रेकर का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। सभी में आपके पास में दो कॉन्टेक्ट रहेंगे, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट। बट जब फिक्स कॉन्टेक्ट मूविंग कॉन्टेक्ट आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं, तो डिस्कनेक्ट होने के साथ में यहाँ पर क्या जनरेट होती, क्या जनरेट होती है, आर्क जनरेट होती है। और उस आर्क जनरेट होने से ही आपको क्या हो जाता है, उसको बुझाने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करते हैं, और उस डिफरेंट डिफरेंट तरीके को अपन क्या बोल दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या रख दिया जाता है, सर्किट ब्रेकर का नाम रख दिया जाता है। जैसे उस आर्क को बुझाने के लिए अपन एयर यूज करते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उस आर्क को बजाने के लिए ऑयल यूज करते हैं, तो ऑयल वाले क्या लिख देता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। उस आर्क को बजाने के लिए अपन एसएफएक्स गैस यूज करते हैं, तो उसको ले जाता है एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर। उस आर्क को बजाने के लिए अपन वैक्यूम यूज करते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है आपके पास में क्या, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एक तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे है, डिफरेंट डिफरेंट तरीका है उस आर्क को बजाने के लिए, ठीक है। तो जब फॉल्ट कंडीशन आएगी, तो फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या होंगे, आपस में डिस्कनेक्ट होंगे, डिस्कनेक्ट होने से वहां पर क्या जनरेट होती है, आर्क जनरेट होती है, और उस आर्क को बुझाया जाता है, ठीक। तो व्हेन एवर द फॉल्ट अकर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर गेट एनराइज एंड द मूविंग कॉन्टेक्ट आर गेटिंग द अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर बाय द सम मैकेनिज्म, दस द ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर। इस तरीके से जैसे मान लो फॉल्ट आएगा, तो फॉल्ट आने से क्या हो जाएगा, जो सर्किट जो कॉइल है, ट्रिप कॉइल है, वो क्या हो जाती है, एनराइज हो जाएगी। ट्रिप कॉइल है वो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने से जो सर्किट ब्रेकर है वो एनराइज हो जाएगा। एनराइज होने से मतलब अपने पास में जो मूविंग कॉन्टेक्ट है उसमें क्या होगा, फोर्स पड़ेगा। फोर्स पड़ने से वो क्या हो जाएगा, दूर मतलब दूर जाएगा, दूर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर अपने पास में कितने टाइप्स के होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग लास्ट क्लास में मैंने बताया था कितने टाइप के थे सर्किट ब्रेकर, कौन कौन से थे, अभी भी मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले ही। सर्किट ब्रेकर आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेटेड वोल्टेज, सर्किट ब्रेकर ब्लो रेटेड वोल्टेज ऑफ द 1 1000 1 kV आर नॉन एज द लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, एंड एबव द 1 kV कॉल्ड द हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। जो सर सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर को लिमिट होती है क्या, मतलब लास्ट यहीं तक ही मिलते हैं? क्या, जैसे मतलब सर्किट ब्रेकर जो होते हैं इनकी को लिमिट होती है क्या, मतलब लास्ट 32 KV से ऊपर नहीं मिलते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। जितनी देखिए जितनी वोल्टेज आएगी, तो उस वोल्टेज को अपन को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सर जितने अपने पास में वोल्टेज रहेगी, उतने तक अपने पास में सर्किट ब्रेकर बनते, ओके ठीक, कॉल्ड द हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एंड द लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। उनको दो टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है, कितना, जो 1000 kV से मतलब ऊपर, वो सॉरी 1 kV से ऊपर वाले होते हैं, वो उनको हाई वोल्टेज सर्किट बोल दिया जाता है। जो 1 kV से नीचे वोल्टेज है सर्किट ब्रेकर जो काम करते हैं, उनको बोल दिया जाता है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। देखिए मेनली अपने पास में ये सर्किट ब्रेकर है। नंबर वन पर अपने पास में कौन सा, ऑयल सर्किट ब्रेकर। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो आप उनको
दो टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है, कौन कौन से, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इनको दो तरीके से अपन डिवाइड कर दिया जाता है। बल्क का मतलब होता है जिसमें अपन को जो अमाउंट ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहती है। मिनिमम ऑयल सर्किट में जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो क्या हो जाती है, कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा है अपने पास है मिनिमम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें आपका क्या होता है, एयर यूज की जाती है, एयर गन ब्लास्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा है अपने पास SF6 सल्फर हेक्जा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। चौथा है अपने पास है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और ये अपने पास है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो ये अपने पास है क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के टाइप। अब इसके बाद आता है अपने पास है टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में ABCB। ABCB का मतलब फुल फॉर्म हो जाती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये अपने पास है चार टाइप अपन पढ़ेंगे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। देखिए, एयर सबसे पहले अपने पास एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो अपने पास है सबसे पहले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसका मतलब क्या है कि इसमें जो एयर होती है, जो एयर के ब्लास्ट होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, जो आर्क जो जनरेट हो रही है उस आर्क को बुझाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एयर के ब्लास्ट यूज करते हैं। उस आर्क को बजाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एयर के ब्लास्ट यूज करते हैं, जिससे अपनी जो आर्क जनरेट होती है वो आर्क क्या हो जाती है, वो जाती है। जो आर्क होती है वो क्या हो जाती है, वो जाती है। देखिए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड फॉर यूज्ड कंप्रेस्ड एयर और गैस एट द आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। जो गैस है या एयर है वो कंप्रेस्ड एयर अपन क्या यूज करते हैं, जो आर्क जनरेट हो रही है उसको आर्क को इंटरप्टिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इन द एयर ब्लास्ट द सर्किट ब्रेकर आर कंप्रेस्ड एयर आर स्टोर्ड इन द टैंक। जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसको अपन क्या कर लेते हैं, एक टैंक में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। एक टैंक में मतलब अपन क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं एंड रिलीज थ्रू अ नोजल टू प्रोड्यूस अ हाई वेलोसिटी जेट। और इसको अपन क्या करते हैं, एक नोजल, एक जो नोजल होता है उससे अपन क्या करते हैं, पास करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हाई जनरेट हो जाता है। दिस इज यूज फॉर द एक्सटिंग ऑफ द आर्क। ये अपन को किसके लिए यूज की जाती है, अपन को आर्क को इंटरप्ट करने के लिए, आर्क को बुझाने के लिए। द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड फॉर इंडोर सर्विस इन द मीडियम ऑफ हाई वोल्टेज फील्ड एंड मीडियम ऑफ रप्चरिंग कैपेसिटी। अपन इसको, जो ये वाला सर्किट ब्रेकर है उसको अपन कहाँ यूज करते हैं, इंडोर में यूज करते हैं। इस वाले सर्किट ब्रेकर को अपन कहाँ यूज करते हैं, इंडोर में, ठीक है। मतलब ये क्या हो, आपके पास है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, इसको अपन कौन सा बोल देंगे, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। एयर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर यूज फॉर द इंडोर सर्विस इन द मीडियम ऑफ हाई वोल्टेज फील्ड एंड मीडियम रपचरिंग कैपेसिटी, जनरली अप टू द वोल्टेज ऑफ द 15 kV। अपन को इस वाले जो सर्किट ब्रेकर है उसको अपन कहाँ तक यूज करते हैं, 15 kV तक अपन यूज करते हैं। रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द 2500 MVA। द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ब्रेकर इज नॉन इज नाउ ओके। द सर्किट ब्रेकर इज नाउ एम्प्लॉयड इन द हाई वोल्टेज सर्किट इन द आउटडोर स्विच यार्ड फॉर द 220 kV लाइन। इसको अपन 220 kV लाइन के लिए भी यूज कर लेते हैं, कब, आउटडोर सिस्टम के लिए। इसको अपन कहाँ के लिए यूज कर लेते हैं, आउटडोर सिस्टम के लिए 220 kV से, ठीक है। थ्रो द गैसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड फ्रियोन, हाइड्रोजन आर यूज फॉर द आर्क इंटरप्टिंग मीडियम।
अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज यूज करते हैं जिनको जिनके द्वारा अपन क्या किया जाता है, आर्क को इंटरप्ट किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर इज एक्सेप्टेड द सर्किट ब्रेकर मीडियम फॉर द गैस ब्लास्ट। सर्किट ब्रेकर द रीजन ऑफ द आर्क आर गिवन बिलो। द सर्किट ब्रेकर कैपेसिटी ऑफ द नाइट्रोजन आर सिमिलर टू द कंप्रेस्ड एयर एंड हेंस नो एडवांटेज ऑफ द यूजिंग इट। अपन जो जो नाइट्रोजन गैस होती है उसी के सिमिलर होती है अपने पास में क्या एयर होती है, उसी को अपन क्या कर देते हैं कंप्रेस कर देते हैं। इसीलिए वो नाइट्रोजन अपन नहीं यूज करते हैं क्योंकि उससे अपन को कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू द ड्रॉबैक ऑफ इट्स बीइंग डिफिकल्टी ऑफ द कंट्रोल। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपन इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि उसको अपन कंट्रोल करने में डिफिकल्ट है। टू द फ्रीजिंग ऑफ द वाल्व एंड द रिस्ट्रिक्टेड द पासेज एंड फ्रियोन इज द हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हैज गुड आर्क एक्सपेंशन प्रॉपर्टी बट इट इज ए एक्सपेंसिव। ये क्या है आपके पास है? बहुत ही एक्सपेंसिव है इसीलिए अपन इस वाली गैस को यूज नहीं करते। एंड इट इज द डी इंट्रीगेटेड डिसइंटीग्रेटेड बाई द आर्क इन टू द एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट। द डिजायरेबल फीचर ऑफ डिजायरेबल फीचर टू फाउंड द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर। जो अपन को जो डिजायरेबल फीचर जो अपन को फीचर चाहिए था वो फीचर अपन को कहाँ से मिल रहा है? ओनली एयर के ब्लास्ट से मिल रहा है। बस ओनली एयर ब्लास्ट ही अपन यूज करेगा तो इसलिए ज्यादातर अपन क्या यूज करते हैं एयर यूज करते हैं। किसको? जो अपने पास हाई जो एयर ब्लास्ट होते हैं वो उनको अपन यूज करते हैं। ठीक है, इन सारी गैसेस को अपन यूज नहीं करते। देखिए, हाई स्पीड ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इट इज द वेरी नेसेसरी टू द लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सो दैट द सिस्टम स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन। दिस इज द अचीव इन द सर्किट ब्रेकर बिकॉज ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द डिस्चार्ज और डी ट्रिगरिंग इम्पल्स एंड कॉन्टेक्ट द सेपरेट वेरी शॉर्ट। ये क्या है? जो आपके पास में फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने के साथ साथ ही कुछ 1-2 सेकंड में ही अपना क्या होना चाहिए, जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो क्या करना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए। अदरवाइज वो उसमें क्या हो जाना चाहिए, हाई स्पीड ऑपरेशन होना चाहिए। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, जो अपने पास में जो कंपोनेंट लगे रहते हैं वो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी टू हाई स्पीड ऑपरेशन। किसी जो भी अपने मान लो जो ऑपरेशन जो स्विचिंग हो रहा है जो सर्किट ब्रेकर काम कर रहा है तो वो सर्किट ब्रेकर को क्या होना चाहिए, हाई स्पीड होना चाहिए। वो सर्किट ब्रेकर का क्या होना चाहिए, हाई स्पीड सर्किट हाई स्पीड होना चाहिए। जो वर्किंग है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एंड सुटेबिलिटी द फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, और ऐसा होना चाहिए कि अपन उसको जो ऑपरेशन है उसका जो ऑपरेटिंग है ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही सुटेबल होना चाहिए। रिपीटिंग द स्विचिंग ऑफ द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज पॉसिबल सिंपली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑयल विच रैपिडली कार्बन डाइ विद द फ्रीक्वेंट ऑपरेशन एंड बिकॉज ऑफ दे आर इन इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बियर एंड टीयर एट द करेंट कॉन्टैक्ट सरफेस बट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट इट फ्रीक्वेंट स्विचिंग इज एंटीसिपेटेड। देन द मेंटेनेंस ऑफ द सफिशियंट एयर सप्लाई इज इसेंशियल। इसमें क्या है, अपने पास में जो एयर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो अपन को क्या है अच्छी तरीके से आसानी से मिल जाए। वो इसमें ये दोनों ही क्वालिटी होनी चाहिए तो इसलिए अपन क्या यूज करते हैं एयर ब्लास्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल मेंटेनेंस मेंटेनेंस ज्यादातर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सर्किट ब्रेकर ज्यादातर अपन को क्या होना चाहिए मेंटेनेंस मेंटेनेंस आपका मानता है हर 2 दिन बाद मेंटेनेंस मेंटेनेंस वो नहीं होना चाहिए। एलिमिनेटेड द फायर हैजर्ड, कोई आग लगने का खतरा नहीं होना चाहिए, आग लगने का कोई भी। रिड्यूस द साइज साइज अपने क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये सारी क्या होना चाहिए उसके जिस सर्किट ब्रेकर के क्या होना चाहिए, ये क्वालिटी
क्वालिटी होनी चाहिए, जब भी अपन क्या करते हैं उस सर्किट ब्रेकर को यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल एंड आर्क एक्सटेंशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल एंड आर्क एक्सटेंशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। ठीक है, ये पीपीटी वैसे तो मैं शेयर कर दूंगा, बट यहाँ पर किसी को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया यहाँ तक, तो अपन ने पढ़ा था अपने पास में क्या था, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर एंड टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये चार अपने पास में क्या था, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर एंड टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड वर्किंग ऑफ स्विच गियर, और जिसमें भी अपन ने आधा पार्ट पढ़ लिया है क्या, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक, जिसका अपने पास में प्रिंसिपल और आर्क टेंशन इन द सर्किट ब्रेकर, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए इसमें कुछ अपन क्विज के ऊपर डिस्कस करेंगे, अपन एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज, ज़्यादातर अपन जनरेटिंग वोल्टेज कौन सी वाली जनरेट नहीं करते हैं, कौन सी वाली वोल्टेज जनरेट नहीं करते। देखिए 33 kV अपन जनरेट करते हैं, 9.9 kV अपन ज़्यादातर अपन जनरेट नहीं करते, 11 kV का अपन जनरेशन होता ही है, 132 kV को अपन जनरेट कर पाते, ज़्यादातर अपन कौन सा नहीं कर पाते, 9.9 kV का। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ MCQ है तो इनको अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्टर्बिंग द नॉर्मली यूज फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्मली यूज, अपन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं यूज करते हैं, ज्यादातर अपन नॉर्मली कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपन नहीं यूज करते हैं, कौन सा, सिंगल फेज फोर वायर। ठीक है, सिंगल फेज फोर वायर सिस्टम अपने पास में ज्यादातर अपन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यूज करते, ज्यादातर अपन यूज करते हैं थ्री वायर सिस्टम। सर फोर वायर में कौन से आते होंगे, सिंगल फेज फोर वायर में अपने पास में वो न्यूट्रल वायर और ऐड हो जाता है ना सर, तो न्यूट्रल भी तो लगाते हैं सर अपन इसी में ट्रांसफार्मर में घर वाले में। अब घर, अरे मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर अपन थ्री फेज सप्लाई यूज करते हैं ना। हाँ सर, सिंगल फेज तो अपन यूज ही नहीं करते, ज्यादातर अपन क्या यूज करते हैं, थ्री फेज सप्लाई यूज करते हैं, न्यूट्रल भी वहीं से मेन लाइन से ही। हाँ, तो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में यूज करते हैं, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम यूज करते हैं, सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम ज्यादातर अपन यूज करते हैं, नॉर्मली अपन ये कौन सा वाला नहीं यूज करते, सिंगल फेज फोर वायर सिस्टम अपन यूज नहीं करते। ठीक, इसके बाद है अपने पास में द कंडक्टर फॉर द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम द टावर टू रिड्यूस द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। अपन जो जो कंडक्टर का जो हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो अपन क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्या हो जाता है, क्यों, क्या क्या रन होता है सर, अट्रैक्ट होते हैं सर, है ना। तब तो क्या, रिड्यूस द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड, एक तो उनका क्या हो जाता है ग्राउंड से, और जो कंडक्टर के बीच में क्या रखना पड़ता है, डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो देखिए, तो इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड होता है उससे अपन को क्या करना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी अपन क्या कर पाए थे उनको रख पाते हैं, क्योंकि अगर मान लो अपन ग्राउंड से जो स्पेस है वो अपन क्या करते हैं, कम कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो ज्यादा आ जाएगा, ये सारी चीज अपन क्या करना पड़ता है, टू इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। जो ग्राउंड से है वो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और कंडक्टर के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस भी हाई होना चाहिए, जिससे कि वो आपस से क्या नहीं हो पाए, स्पार्किंग नहीं हो पाए। ठीक, ठीक
आज के लिए अपन यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे।